पहले पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने सभी का दिल जीत लिया और इस जीत के बाद रिंकू सिंह भावुक दिखे और रिंकू सिंह का दर्द बाहर आ गया। इसके अलावा जब रिंकू सिंह मैच विनिंग पारी खेल रहे थे तो डगआउट में माहौल कैसा था इसका भी खुलासा हो चुका है और खुद खिलाड़ियों ने कहा कि लॉर्ड रिंकू सिंह ने हमें बचा लिया। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि रिंकू सिंह ने अपनी पारी किसके लिए समर्पित की और आखिरकार लॉर्ड रिंकू सिंह ने कैसे टीम को बचा लिया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी पांच गेंद में पांच छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को यादगार और ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले सुपरस्टार लॉर्ड रिंकू सिंह ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। आज आईपीएल के नए हीरो बन चुके रिंकू का हर छक्का हर क्रिकेट फैन की यादों में ताजा है, लेकिन अपने हर छक्के को रिंकू ने संघर्ष करने वाले परिवार को समर्पित किया है। रिंकू सिंह ने पहले पांच छक्के लगाकर सभी का दिल जीता, उसके बाद लॉर्ड रिंकू सिंह भावुक दिखे। रिंकू सिंह को तूफानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसके बाद रिंकू सिंह का दर्द छलका और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ। पिछले साल मैं लखनऊ में ऐसी ही स्थिति में था, विश्वास तब भी आया था, मैं ज्यादा सोच नहीं रहा था, बस एक के बाद एक शॉट लगाता चला गया। मेरे पिता ने बहुत संघर्ष किया है, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, हर गेंद जो मैंने मैदान से बाहर मारी वो उन लोगों को समर्पित थी जिन्होंने मेरे लिए इतना बलिदान दिया। बता दें कि रिंकू उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता घरों में गैस सिलेंडर को पहुंचाने का काम करते थे। परिवार को कर्ज के बोझ से बाहर निकालने के लिए रिंकू ने क्रिकेट में कड़ी मेहनत की, यहां तक कि पोछा लगाने का काम तक किया, लेकिन अब रिंकू का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में 29 रनों की दरकार थी तो गुजरात के गेंदबाज यश दयाल के पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर पूरा गेम रिंकू ने बदल दिया। रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर 48 रन बनाए जिसमें 6 छक्के और एक चौका शामिल था। रिंकू ने मैच जिताया, लेकिन इस जीत की कहानी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए वेंकटेश अय्यर ने रची थी, जिन्होंने कप्तान नीतीश राणा के साथ पार्टनरशिप की और दोनों ने इस साझेदारी के दम पर टीम को जीत के करीब पहुंचाया था। जैसे ही पार्टनरशिप टूटी मैच गुजरात की झोली में था, लेकिन जब रिंकू ने वो चमत्कार किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी तो खुद वेंकटेश अय्यर ने बताया कि उस वक्त डगआउट में माहौल क्या था। वेंकटेश अय्यर ने कहा कि मेरी और नीतीश की अच्छी साझेदारी हुई थी, दुर्भाग्य से हम रास्ता भटक गए, लेकिन लॉर्ड रिंकू ने बचा लिया। सच कहूं तो हमें भी विश्वास था कि हम जीत सकते हैं, ये हमें सिखाता है कि हमें आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी चाहिए। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और रिंकू की मेहनत आखिरकार रंग लाई। पांच साल तक केकेआर के साथ रहने वाले रिंकू सिंह ने एक पारी से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया और साबित कर दिया कि केकेआर के नए सुपरस्टार का जन्म हो गया है। रिंकू की पारी को आज हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि ऐसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।